सरकार ने गल समझ नहीं कि वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों की धज्जियां उड़ा रहा है। ये राम रहीम अपने आप भगवान कृष्ण दसदा है, ये राम रहीम अपने आप अल्लाह दसदा है, ये राम रहीम जीजू मसीह दसदा है, ये सारे की भावना खेल रहा है। ये ऐसा खतरा देश वास्ते पैदा होएगा कि देश के अशांति फैल जाएगी। 100% होगी। लोग हिंदू भी दुखी हैं, मुसलमान भी दुखी हैं, ईसाई भी दुखी हैं, कोई एक धर्म नहीं दुखी। सारे धर्मों को वो अपना आपको अवतार बताता है और उसके ऊपर रेप के केस है और रेप के केस के बाद उसको प्रोटेक्शन है, हमारे को हमारा प्रोटेक्शन निकल जाए। पुलिस कैसे रोक रही है तुम्हारे सामने है। अगर हरियाणा के मंत्री देख लें क्या वो अपनी बेटी के साथ रेप केस में इन्वॉल्व है, उनको नहीं दिखता, इसमें गठबंधन क्या करेगा? आपकी लीडरशिप बीजेपी के साथ ये चीज उठाएगी? 100% बीजेपी को हम अवेयर कर रहे हैं कि आप हमेशा जो बात करते हो धर्म निष्पक्षता की, उसमें वो मुसलमान को हर्ट कर रहा है, वो हिंदू को हर्ट कर रहा है, वो सिख को हर्ट कर रहा है। सरदार जी, मेरा सवाल ये है कि क्या सुखबीर बादल जो आपके नेता है बीजेपी के लीडरशिप के साथ? 100% बात करेंगे। सारा अकाली दल बादल है, ये सारी उनकी पार्टी है, कोई बाहर से नहीं आए। ये सारे दिल्ली में जो सिख है, ये श्रोमणी अकाली दल बादल की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि चेयरपर्सन ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दे दिया? वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा थी, उसको लगा है कि कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है, जिसका खमियाजा देश की शांति को भुगतना पड़ेगा। देश में शांति है, कृपा करके उसको शांति में रहना दो, नहीं तो देश में फिर से अशांति फैल जाएगी। मूवी रिलीज होगी तो हम होने नहीं देंगे। हम सारे पिक्चर हॉलों पे जाके अपना प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पिक्चर ना देखी जाए।